नमस्कार, एसटीएन न्यूज में स्वागत है, मैं हूं नीतीश पाठक। योग गुरु बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यह विवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुका है। आईएमए की तरफ से पीएम मोदी को पत्र लिखा गया है और इसमें कहा गया है कि पतंजलि के मालिक रामदेव के टीकाकरण पर गलत सूचना के प्रचार को रोका जाना चाहिए। आईएमए ने लिखा है, एक वीडियो में उन्होंने दावा किया है कि वैक्सीन की दोनों खुराक लेने के बाद भी 10,000 डॉक्टर्स और लाखों लोग मारे गए हैं, उन पर राजद्रोह के आरोपों के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। पत्र में आईएमए ने दिख जताते हुए कहा है कि एक तरफ आईएमए और पीएम मोदी खुद कोरोना के टीके के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, दूसरी तरफ पतंजलि के योग गुरु रामदेव दावा कर रहे हैं कि कोरोना टीके की दोनों खुराक लेने के बावजूद 10,000 डॉक्टर्स ने जान गंवा दी है। आगे लिखा गया है कि रामदेव दावा कर रे हैं कि एलोपैथी की वजह से ही लाखों लोगों की मौत हुई है। आगे डॉक्टर्स की तारीफ करते हुए कहा गया है कि वे इस महामारी के फ्रंट लाइन्स वर्कर हैं और कोरोना की पहली लहर में 753 और दूसरी लहर में अब तक 513 डॉक्टर्स जान गंवा चुके हैं। लिखा है कि रामदेव का यह दावा है कि 10,000 डॉक्टर्स ने कोरोना टीका लगवाने के बाद भी जान गंवाई, यह टीकाकरण के लिए उनके द्वारा किए रहे प्रयासों को खराब करने वाला है। आगे कहा गया है कि रामदेव के खिलाफ राजद्रोह के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। अपने नोटिस में आईएमए ने कहा है कि बाबा रामदेव एलोपैथी का ए तक नहीं जानते हैं, हम उनके सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन पहले वे अपनी योग्यता तो बताएं। नोटिस में आईएमए ने कहा है कि अगर बाबा 15 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगेंगे तो उनके खिलाफ 1,000 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा ठोक देंगे। आईएमए ने कहा है, अपनी दवा बेचने के लिए रामदेव टीवी में टीकाकरण से साइड इफेक्ट होने के विज्ञापन भी जारी कर रहे हैं, वे पैथी और उससे जुड़े डॉक्टरों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी भी कर रहे हैं। आईएमए ने कहा है कि अगर सरकार उनके खिलाफ महामारी एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी तो आईएमए हरिद्वार में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराई जाएगी। आईएमए उत्तराखंड ने कहा कि रामदेव अपनी दवाई बेचने के लिए लगातार झूठ बोल रहे हैं। रामदेव ने कहा है कि उन्होंने हमारे अस्पताल में अपनी दवाओं का ट्रायल किया, हमने उनसे पूछा कि उन अस्पतालों के नाम बताएं, लेकिन वे नहीं बता पाए क्योंकि उन्होंने ट्रायल किया ही नहीं। डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी से लोगों में बाबा के प्रति गुस्सा है। इस पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया के तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहे एसटीएन न्यूज़। शुक्रिया।